आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हाय फ्रेंड्स इस क्वेश्चन हमसे पूछा है कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी केप्ट कांस्टेंट कैसे ठीक है तो पहले हम देख लेते हैं हमारा जो रेट लॉ है मान लीजिए अगर हमारे पास दो रिएक्टेंट होते ए और बी ठीक है तो हमारा रेट का वैल्यू आएगा के इंटू ए टू दावर एम इंटू बी टू दी पावर एन ठीक है तो क्या क्या वेरिएबल्स है यहाँ पे यहाँ पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन वेरिएबल है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी वेरिएबल है और हमारा टेम्परेचर वेरिएबल है ठीक है तो अगर हम अप, हम रिएक्शन के सब्सटेंस को चेंज ना करें ऑब्वियसली कंसेंट्रेशन हमारा जो है यानी और concentration of B, वो तो एक constant रहेगा ठीक है तो बचा हमारा ये और temperature. अब e किससे चेंज होता है चेंज बाय कैटलिस्ट ठीक है तो अगर हम कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो ई e हमारा चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियसली ऑप्शन फोर तो नहीं होगा राइट right? नेक्स्ट बचा हमारा टेम्परेचर तो अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट रख लेते हैं देन हमारे सारे वैल्यूज जो हैं वो क्या हो गए कॉन्स्टेंट हो गए देर हमारा रेट जो होगा वो भी कांस्टेंट हो जाएगा इफ टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ठीक है तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन टू ठीक है एंड द फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा दैट इज टर्निंग द कंपाउंड इससे नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन ठीक है इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है रेट ऑफ द रिएक्शन पे इजीली इसको हम इजीली हम कंपाउंड्स को अगर स्टर करें या ना करें उससे रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा और ऑप्शन वन अगर आंसर नहीं होगा तो ऑप्शन थ्री भी नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन थ्री है कि बोथ ए एंड बी ठीक है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन टू क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर